नाजरीन, मैं थोड़ा उजैद खान तो सडे ग्रुप सराय की केएम टीवी ते। दोस्तों आज अस मौजूद आ मवेशी मंडी चे ते थोको दुखले दिसवे था कि इन आवाम रह भी घिनसा के इस वक्त महंगाई ने के हालात इन मौजूदा हुकूमत ने के हालात इन और महंगाई बारे इन के तासरात इन। तो दोस्तों तो सर नाल रहा है तो पूरी मंडी ने थोको विजिट कर सा और इससे रेट भी थोको दसा कि के मंडी गर्म है या ठंडी है। और उस तो बाद सारे जेरे इस वक्त तो सराकी केएम टीवी ने हिस्सा नहीं बने तो जितने भी सारे देखने वाले हैं तो सारी वीडियो को शेयर कर ताकि सराकी केएम टीवी ना हो भाई सारा हिस्सा बन वन थोड़े थ्रू। शुक्रिया जी। जी तो नादरी तुम देख रहे पे सराकी केएम टीवी आज सारे नाल मौजूद है ना एक बुजुर्ग शख्सियत इनको पूछने की इस हुकूमत ये कितने खुश हैं या ना खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अच्छा चाहे तो इस हुकूमत तो कितने खुश हो कितने ना खुश हो ये आवाम को दस रहे हो। अजीज अल कदर असर हुकूमत बिल्कुल खुश ना बिल्कुल ज़रा भारी खुश ना। इस तरह महंगाई बढ़ गई है जो अंदाजा नहीं 2000 रुपया 12 14 काट के 2000 रुपया देंदे पे के फायदा ले सकूं। यानी कि थोड़ा आखण मकसद है कि जरा एहसास प्रोग्राम 14000 रुपये देने उस जाते सको 2000 रुपया मिलना पे। बिल्कुल 2000 के किले थी कोई नहीं उस 2000 के करूँ तो सही दसो नवाम को उस 2000 नाल खाली जनाब बच्चे ने वाल नहीं बन दे सिर दे वाल नहीं बन दे बकरे शिकले दा लदा गणे ने बकरी दा क्यों एक बंदा आखना पे कि मैं बकरी पूरी की थी 2000 नहीं। अल्लाह अकबर बकरी 2000 दी थी पे बादशाह इस दौर दे अंदर अजी कसाई को 2000 च मैं पैसे रे था नहीं कसाई तो जनाब 5000 रुपया केंदी बकरे दा इस टाइम 2000 ने बेवकूफ सानू फुद्दू बना के ना रखे फुद्दू बना के सारे पैसे घिन के अपने जेब च पा रहे और 2000 रुपए ना सारे कुछ भी नहीं बनदा पे गरीब आवाम दे जेब कटा ने। थोड़ी ख्याल है इमरान खान की हुकूमत बेहतर है। अल्लाह अकबर अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे खुदा उसको बहु देवे दीनी दुनियावी तरक्की देवे ईमानदार आई और वन के सलाम ना ना चाहे आज भी तकबीर खेंदे नारे तकबीर खेंदे पे जलसा दे तो अल्लाह नु याद करो वाला मंदे। और आखण मकसद ये है कि भाई जिस बुनियाद पाकिस्तान बना भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह ता उस बुनियाद ते इमरान खान चलने पाया। अल्हम्दुलिल्लाह सादा ना रोशन किया पूरे दुनिया दी पाकिस्तान दा और मुसलमान कंट्री दी मैं 18 साल तू जोरे भी गुजार कराया सारी बड़ी दूत आई पाकिस्तान दी दूत आई और इमरान खान दा ना आई पूरी दुनिया ना चेने पाए जेरे मैं मक्के मुकरमा ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हज किए लेकिन इमरान खान को इतना लोग चाहता आई कि दूजे मुल्क वाले लोग भी चाहे अल्लाह जानी मैं झूठ ला लेता पाया लाने से झूठे थे उस तरह चाहने ना दिन इमरान इंडिया चाहता आई बांग्लादेश की आवाम इंडिया नाल में खा दे मेरे को इमरान इमरान है मकसद है कि इस हुकूमत जी सारी हो आई है इस हुकूमत को तो ना मंजूर नारा लगो है वो तो सा ऐसा इस हुकूमत को मन नहीं नहीं ना तो ना इंशाल्लाह इलेक्शन दे को आने सा मेरा मुर्शिद करीम दे सद के तो इंशाल्लाह इमरान रात भी तकरीर करने पे तो जितो हो सी इमरान खान ना वोट पक्का है इधर बल्ले बिल्कुल भारी एक्सीडेंट नाल खैबर पख्तूनख्वा 13 जमात ने शिकस्त लेके जीते। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन इस वक्त सारे नाल एक और शख्स आपको मिले हैं उन्होंने आखड़ा है कि मेला बहुत ठंडा आई ना अपना जानवर आंदा है मंडी से फरोख्त करन कारण दिन को पूछने है कि किस लिहाज नाल ठंडा आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी भाई तुसा किस तरीके नाल आखने पे मेला ठंडा आई। मेरा एक जानवर आई जेरा के तकरीबन 1.5 लाख ने कीमत ने आई लेकिन उसने बावजूद उसने कीमत कह पूछी भी नहीं एक बंदे मेरे को पूछा है तो उस आख्या भी 1 लाख रुपया मैं उसको 1,60,000 मुल किया लेकिन उस तो बाद किसी ने भी ना सब कितने मान चौकरे तकरीबन 4 से 5 मान कम अज कम है यानी सुथरी गीत करना चाहे तो उन्हें वास्ते बेहतर है बेहतरीन बेहतरीन थोड़े आखण मकसद पूछा भी कहनी पूछा भी कहनी इस पूछना जेरे तो कह को कसूर बार तो ठहरने लेकिन मेरे को ये पता लगना पे शायद जिला बंदी है साइड ते या चोकर ना मतलब में फरोख को नहीं दा बहु इन ते गिनना लोग का बारी कोई नहीं थे आया हुकूमत ने बारे क्या किया जरा 2000 रुपये ना देता उसने चोकर नहीं थी ना 2000 रुपये ना तो मेरे ख्याल एक एक शरबत ना गिलास पियो तो थी लगना बकाया तो कुछ भी नहीं थी ना ये इस गवर्नमेंट महंगाई की थी और पेट्रोल डीजल बारे तो क्या कह दो इसमें सारा सोरे से थे महंगाई ने हर गरीब आवाम से पोया उसने जो रहे ना अमीर लोग थे उन्होंने को तो कोई मसला को नहीं ये गरीबों वास्ते ना बहु बहु मतलब एक बाबा ले जान बन गई ये महंगाई। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।
नाजरीन इस वक्त एक और भाई को मौजूद है, ये भी मंडी मवेशी चौकर चाय खलिया थे। उस तो बाद इन्हें को पूछने कि ये सवेर जाए खलें और आखने पहन के कहें एक अजय गाहक भी सारी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुसा किस वक्त इतने आए खले? अस जी सवेरे ने डी उभरे तो पहले आए खले। कोई गाहक वगैरह लगे? कोई पूछे ही कोनी जी। मेला गर्म है कि यानी ठंडा है? बहुत ठंडा है जी, बहुत ठंडा है। गरीब बस जिन्होंने दिया आखने पे कि मेला गर्म है, तुसा आखने ठंडा है? नहीं नहीं ठंडा है जी, खाली मंगने पे आओ देना तो कोनी। क्या कीमत मंगने पे आओ? नॉर्मल 1,40,000 मंगने पे आओ सर जी। कोई पूछे है ना? नवे ही नहीं आखे जी। इस महंगाई ने कसूरवार क्या उठा रहे ने? नवाज शरीफ को से देने, शहबाज शरीफ को से देने। शहबाज शरीफ जरे सब को सारे वजीर आजम है। तो वजह क्या है? देखने पे हो जी, पेट्रोल कितने कर रहता, डीजल कितने कर रहता, दुनिया मंगया या भी नहीं मंगया ही नहीं मारो भाई, हाथ तो ज्यादा कर ठीक है। और उस बाद इमरान खान ने बारे थोड़े किए, 550 तो जी किलो घेव न हो गया। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को वोट पक्का भी दे दो। बिल्कुल जी इमरान, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ऐसा इस वक्त एक और भाई को मौजूद है और उसने तो को जानवर भी दिखने में बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा कलर है और इसने कीमत ही थोड़ा सेरिया ते ये भी पूछना है कि मेला गर्म या ठंडा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना किया थोड़ा? मेहरवली। मेहरवली कितना आए? सुल्तान खैर। सुल्तान ख्याल तो ये चोकर अपने घर ना नहीं जाते मुल्क दाई मुल्क दे। और इसके कितने खर्चे इस टाइम हो गए? इसके बहुत खर्चा है, 1,50,000 रुपये खर्चा हो। इसको तो कैसे खिलाइए कि बड़ा पल्ला है? खिलाए इसको आटा ते खल घी तेल ते तो उसने कितनी प्राइस मांगने पे हो? कितनी कीमत? 3,00,000 रुपये। 3,00,000 मांगने पे हो? कोई इतने पूछे ही है क्या कि नहीं? इतने कोई खास कीमत नहीं लगा। कोई कीमत ही नहीं लगी? तो इस महंगाई की वजह की है? पता नहीं, कोई समझता कौन नहीं। देखने पे किस वक्त मौजूद है मवेशी मंडी चे तो सारे एक और भाई भी मौजूद हैं और उन्होंने थोको था जानवर भी रखे ने, बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा थे कलोरी सुरख रंग चे। तो इसते खर्चा कितना थे है और उसके बाद इसने कीमत की है मैंने बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। केड़ी जात आया भाई? हसन सुल्तान ख्याल जी। सुल्तान ख्याल तो आया। और उसके बाद इसने कीमत की है मांगने पे? 3,00,000 जी। 3,00,000 मांगने पे? कोई व्यापारी इसने आके कीमत लाई है कि नहीं? लाई है जी। कितने लाई ने? 81। 81 लगी, यानी कि आध लगे जी? आध लगे। और उसके बाद इस महंगाई दे रही है जी, मेला ठंडा होने की वजह की है? कुछ समझ नहीं आ नहीं पाई। मैं आखना पाया कि दे रही है महंगाई बनी खिली, इस ने पीछे क्या नहाते नवाज शरीफ नहाते, उन्होंने भी डीजल पेट्रोल नहाते, एक इसे महंगाई की वजह से नवाज शरीफ बढ़ाते थे, शहबाज शरीफ बढ़ाने की वजह, यानी कि उन्होंने थोड़ा आखो मकसद ये है कि एक डीजल पेट्रोल सस्ते थी वजह तो ये जानवर लोग आसानी ना घिन सकते हैं। महंगाई इतनी महंगाई जानवर जमीन घिन नहीं सकते आम। और वेचण वाला खपा है, खर्चा है, खर्चा ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा खर्चा है। वेचण वाला खर्चा ज्यादा है और घिन वाला खेल है कि 1,00,000 दे गिदो है, इससे खर्चा छ है ज्यादा। 6 महीने तो गुसाम पे संभाला ये साल, 1 साल संभाला इसको। और तो आखिरी कीमत ने किए मांगने पे फैनो 2,50,000 तक फैनो लगे 2,50,000 तक। अगर ये 2,50,000 तक नहीं में अगले मेले तक सोमवार तक तो बात किए करे? सर ना खसारा है, थोड़े खसारा है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त ऐसा मौजूद है मवेशी मंडी चे, उस तो बाद इतने सारे को भाई के लिए जामी शीरी शरबत अवाम को देने पाए हैं और उस तो बाद इन्हें को पूछने कि इतने कुछ सौदी थी पहन के अवाम थक के हार के इन्हें को पानी पीण आवे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कह रहे ना बाहर बहुत जी सौदा बहुत घट थी ना पे, कह रहे ना बहुत कह रहा बाहर ज्यादा है तो सौदा बहुत घट थी ना। मेला तो एक किस्म आगने पे ठट है जी? मेला ठड़ा जी, कह रहा है बाहर बहुत ज्यादा है तो मेला बहुत ठड़ा है। और ये जामशीरी नाल ठड़ा नहीं थे कला? ना जी ना, जामशीरी तो सब चलिए माशाल्लाह ते बाहर ज्यादा है बिक्री कोने जी। तो इस महंगाई ना जरा इस वक्त ता इसने कहे को कसूरवार ठहराने पे? कसूरवार तो जी बात सारा है आवाम के लिए, शहबाज शरीफ सारे कह रहे हैं काम बहुत जी खराब की दी पे। शहबाज शरीफ तो 2,000 रिलीफ जी देते है? ओ तो जी 2,000 तो भला महंगाई ज्यादा कराना पे जी, कह रहा ना गरीब आदमी ने वास सारा खत्म। असल वजह के पेट्रोल डीजल की वजह? जी हाँ, पेट्रोल तो डीजल ये चढ़ना पे आवाम ने, कह रहा ना बहुत काम खराब थी ना पे जी। तो नादरी तुसा देखो कि एक रेहड़ी थे और उस बाद शरबत फरोश को इस गल पता लग गया कि इस महंगाई की मेन जो बुनियादी मसला है वो है पेट्रोल डीजल। तो लिहाजा सारी इस गवर्नमेंट को अपील है, उसको सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को बुनियादी चीज़ों को कम करके तले आने आवाम को रिलीफ दें। लगने जाने भाई सरकारी मुलाजम मेहनत जुर्माने के उन्होंने कहते जुर्माने करें उन्होंने करें जो गरीब हैं जो वे लोग उन्होंने कोई गलत ही नहीं बाद 9,000 शहर देंगे 1,500 की 1,200 की कुछ किया वे अस बर्बाद ही गया। पेट्रोल न घटाओ डीजल न घटाओ, अस मजदूर लोग कि सू तो पैसे नहीं मिलते
सारे वजीर आजम साहब थे बैठे, सारे गरीबन थे बर्बाद की नहीं बैठा। 2000 रुपया जरा गवर्नमेंट रिलीफ दी थे उसने बारे की 2000 के साथ तू 5000 रख तू बचा घेना चाहे भले के रेट डावे डीजल पेट्रोल का बुनियादी सही है। ये बुनियादी निजाम ही है। और उस तो बाद तो सके काम करने अस मजदूरी करने कोपरे की मजदूरी करने 700 रुपये दिहाड़ मिलती है अगू 600 तू किलो गे होता है बकाया सौ तरह कितों के ना सूद तो चवा। और उस बाद तो यानी कि दिहाड़ीदार तबका 700 रुपये से मजदूर हाँ। और कोई तुसा अपनी इस गवर्नमेंट को आखना चाहो तो गवर्नमेंट ये आखना चाहने पर मेहरबानी करो डीजल पेट्रोल तले आनो को बेहतरी करो इतनी महंगाई है गरीब लोग कहे वजे सारे कसूर के कैं को ठहरे पे सारा शहबाज शरीफ साहब तो कसूर जो उतने चाड़ी चाड़ी वेंदा था कि वजा नहीं ये तो आखने भाई आलमी मंडी चे मांगी थी मंगाई थी आलमी मंडी मांगी थी इमरान खान कण आलमी मंडी कोना इन कण आलमी मंडी मांगी थी गई तो सब वोट होने इस वक्त कहीं कुछ अस इमरान खान ना पावे तारी जिंद निकल वजे तो ना तो मरसा। बहुत शुक्रिया तो देखने पे हो कि इमरान खान ना आबाई हल्का आई और उस तो बाद पहला वोट असा खां चे कि इमरान खान को इस जगह तो गया है और इमरान ने हक अजे भी आवाम बहुत सारी उसने नाल खलोती है लेकिन उसकी आवाज़ से अजे भी पैरवी करने पैन सिर्फ इस गल ही दे रहे कि इमरान खान दोबारा कॉल लेवे उनको सदन कण इस्लामाबाद या इस एहतजाज करे और इस महंगाई को कम करो नहीं। इमरान इतना चाहने इसे तो ना इमरान हो गया तो अगर इतनी महंगाई हो वादिया तो खुश हुआ हाँ यानी कि अगर थोड़ा कुछ मकसद है कि इस बुनियाद से पहुँचाओ तो डीजल से अगर इमरान खान करें तो वो तुसा मुतमिन होगा इमरान हो गया तो इस तू पंजाब होर तो चार खड़े था वाती खुश वजह की वजह की ये सारे वास्ते नहीं ठीक है गरीबन बर्बाद करें पे वो तो अगर महंगाई से हंध पुछे ना तो वादी तो बंदा ठीक है बंदा ईमानदार है असा उस वास्ते जान देने का नहीं तैयार हाँ। बहुत शुक्रिया जी सारे नाल एक मौजूद न बुजुर्ग उम्र ने ते ये भी जहाँ अपना कारोबार सिलसिले चाहते इन्होंने को पूछने कि इस इन्होंने इस हुकूमत ने किए रहे है और पिछले हुकूमत इन्होंने किए रहे हैं ये डोहियाँ दस के सानू जी गरीब लोग मजदूर लोग साको चेहरा नवा नहीं चाहिए ना साको सौखी रोटी चाहिए जरा गरीब नवा पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान साको नहीं चाहिए चीज ना सारा मतलब नहीं सादा इस चीज़ मतलब सारे बच्चों को रोटी रोजी सौखी मिले बड़े परेशान हाँ बहु औखे मतलब के भाई अगे गाल कर गए कि घेव ना किलो मिलना पे 600 रुपये ना असा दिहाड़ी गिना 700 रुपया वो 100 रुपया असा किदे गिन के बेसा वो 100 नाल सारी कोई चीज़ नहीं बननी हर बंदा करोदार है बेचारा लोग खुदकशियाँ मजबूर है वजह कह रही है कि हुकूमत बहुत ज्यादा जुल्म कर छोड़ा है मतलब वो 5-10 रुपये वधे ना आई ये सीधा 100 रुपया वधा रहा चीज़ नाल और दूजी गल जरा टैक्स लेने पे ना वे तबके से टैक्स ला के देने कारोबारी एक मिनट जी जरा टैक्स लेने पे ना वो टैक्स मुकना गरीब बंदे पे आके जरा एक चीज़ खावनी है मतलब जरा रोटी खावनी है ना कणों से टैक्स लग गया वो बोरी नाल 1000 रुपया वधा दे थी उस चीज़ नाल मतलब गरीब से आके मुकना पे ये साथ गरीब बंदे ना करें टैक्स ला के बाद रेट मुकरा करें उस तो रेट से नवे चुन देन चीज़ों को ता गरीब मुल्क पाकिस्तान चलती नहीं तो नहीं चल हर बंदा औखा हो गया थी गवर्नमेंट जरा बंदा औखा हो थी वो मजबूर हो गया थी या खुदकशियां करे थोन या डाके मरे थोन या मतलब कहे को लुटे थोन वो एक मजबूरी सारी बन गया थी। और उस बाद गवर्नमेंट सबके गाल करने ना शरेआम करने पाया अगर डाके चोरियां मरसा तो उसने जिम्मेदार हुकूमत है सारी गवर्नमेंट 2000 रुपये ने रिलीफ दिता वो जी कुछ ही नहीं मिलना पाया वो 2000 जरा आखा ने कोई नहीं मिलना पाया वो वो लोग खावे ने जरे पिंसल चले ने बैठे ने उते उसने बिचो यो अपना टैक्स लाई बैठे और एक बंदे को मिलना है तो 7 बंदे खाली वाले ने थारे जी को नहीं। बहुत शुक्रिया जी क्या पता क्या मेरी क्या चीज़ है क्या नहीं बिचे। बहुत शुक्रिया जी जी नाजरीन तो असा इस वक्त मौजूदा मवेशी मंडी जिते उस तो बाद थोको बड़े प्यारे तो सुथरे बकरे दिखे कि मंडी ते बकरीद वास्ते सारे नाल फरोख्त कुनिंदा भी मौजूद हैं इन्हें को पुछने कि के रेट इन्होंने मंगने पे और के रेट इन्होंने लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सर ना के मोहम्मद मकबूल खान। मकबूल खान तुझे के पैसे मंगने पे ए जी मेरे जरा रत्ता बकरे वाला इसने मेरी डिमांड है 80,000 जी 61,000 ने मेरी खरीदे। अच्छा और लगभग 58-58 उड़ा लगनी बती है खरीद तो भी 2000 रुपये कम लगनी भी है जी बिल्कुल। तो सर क्या करें मेला गर्म है ये ठंड है नहीं मेला तो इंतहाई ठंड है इंतहाई ठंड है और जे इतनी घिनना ने पहन वो आखिर भाई मेला बहुत गर्म है जी उन्होंने भी शिकायत किसी हद तक बजाय है क्योंकि महंगाई ओवरऑल इतनी ज़्यादा है ना जितनी वजह तो मतलब खरीद कुनिंदा जरा तो वो तो इतने इस्तेदार नहीं रखे ना वो आपने वैसे ठीक करने छोटे जानवर बेचने पैन जरा नहीं कीमत औसत कीमत 20-30,000 है वो आज 4-5 दाने बेचे। सर किस नजरिए पहुंचे तकरीबन तो सवेर जाए खा लो कि भाई इस वक्त जी इस साल जी बकरा ईद है तो वो कम हो सो ज़्यादा हो सो
इस वक्त तकरीबन जितने भी सारे जमींदार भाई हैं या बाकी सारे मुलाजम पेश अफराद हैं यार माना आमने तकरीबन 50 to 60 हज़ार है उस तो तलवे ना तकरीबन ज़्यादातर अल्लाह मियाँ को मादरत करने पाए ज़्यादातर ऐसे इनके जेरे ईद दिन करने पाए और बहुत सारे ऐसे भी हैं इनके जेरे माशाल्लाह तौफीक देना पे करने पाए बहरहाल ओवरऑल परेशानी ना आलम है परेशानी यानी कि थोड़ा आखिरी इस तो डूब मेले हो रही है तो देखो मत अल्लाह पाक थोड़ा नफ़ा बख्शे थोको क्योंकि थोड़ी जेरी खरीद है उस तो भी थोड़े कम पैसे लगने पैन तो बहरहाल अल्लाह पाक वसीला बने थी थोड़ा इंशाल्लाह जरूर उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी थैंक यू चलते हैं दबे पाँव की कोई जाग न जाए गुलामी के असीरों की ये खास अदा है चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए गुलामी के असीरों की ये खास अदा है जो कौम ना हो हक बात में यकजा उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सदा है।